दिस न्यूज ब्रॉट टू यू बाय राजेंद्रा ज्वेलर्स सोलन। पुलिस थाना स्वारघाट की टीम ने नाके के दौरान एक कार से 20 लाख कैश और 7 किलो 780 ग्राम चांदी बरामद करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार वीरवार देर रात स्वारघाट पुलिस ने स्वारघाट चौक पर नाका लगा रखा था। इसी दौरान मंडी से चंडीगढ़ की तरफ जा रही एक कार को जांच के लिए रोका। जब गाड़ी की तलाशी ली तो कार में बैठे पंजाब के शख्स से 20 लाख कैश और 7 किलो 780 ग्राम चांदी बरामद हुई। पकड़े गए शख्स की पहचान पंकज लूथरा दिलबाग नगर जलंधर के रूप में हुई है। इस शख्स के पास जो चांदी पकड़ी गई है वह बिना बिल के थी। इसके साथ ही 500 रुपये के 40 बंडल भी बरामद किए गए हैं। SP बिलासपुर SR राणा ने बताया कि बिना बिल के सामान लाना और ले जाना गैर कानूनी है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है और आबकारी एवं कराधान विभाग और आयकर विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। ये गाड़ी जो जिसका नंबर PB08EA9551 कार जो मंडी से किरतपुर की तरफ जा रही थी, तो उसको रूटीन में चेकिंग के लिए रोका गया। जब यह गाड़ी चेकिंग के लिए रोकी गई तो इस पे दो लोग, ड्राइवर के अलावा एक और आदमी इसमें ट्रेवल कर रहा था। जो ड्राइवर था उसका नाम पंकज लथुरिया, ये जलंधर का रहने वाला है, और दूसरा जो है वो स्मार्ट सोनिक, ये 16 साल का है लड़का जो स्मार्ट सोनिक है। ये दो लोग उसमें ट्रेवल कर रहे थे। गाड़ी का जब डिटेल से चेकिंग किया गया तो गाड़ी के बीच में 20 लाख रुपए कैश और 780 ग्राम जो है वो इस पे सिल्वर पाया गया। जब इनसे 20 लाख जो कैश था उसके बारे में जब डॉक्यूमेंट्स या कोई पेपर्स प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया, और जो कि 7 किलो 780 ग्राम जो चांदी था कि आप इसके संबंध में कोई पेपर्स पुलिस को प्रोड्यूस करें, तो ये कोई भी कागजात इस कैश और ये जो चांदी था इसके संबंध में पुलिस के समक्ष पेश ना कर पाए। तो पुलिस ने ये जो कैश और ये जो चांदी है इसको टेम्परेरीली अपने पोजीशन में लिया हुआ है। इस गाड़ी को वहाँ डिटेन किया गया है और अब कैश और ये जो चांदी है इसके संबंध में एक फॉर्मल चिट्ठी जो है, एक पत्र जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट को भेजा गया है। उनसे कहा गया है कि इन दोनों मैटर्स में इसका जो है वो वेरीफाई करें, क्योंकि ये उनके परव्यू में आता है, उनकी ज्यूरिडिक्शन में आता है। कैश जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा और ये जो 780 ग्राम्स जो चांदी है इसको जो है एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन करेंगे। तो पुलिस को केवल इसमें यही कार्रवाई है कि हमने इनको तब तक डिटेन किया है जब तक ये दोनों डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर और रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पहुँच करके अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू ना करें। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर।